जिसके पीछे 100 सिर 100 सामंत वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार होना है। वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज इन दिनों चर्चा में है। जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है, तब से हर जगह इसकी चर्चा है। वहीं फैंस भी इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म पृथ्वीराज 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा मानुषी छिल्लर, जो कि बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से, मानव विज, सोनू सूद, संजय दत्त जैसे एक्टर्स लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे। फिल्म की चर्चा तो है ही, वैसे फिल्म की कहानी को लेकर, अक्षय कुमार के रोल को लेकर, लेकिन एक और वजह है जिसे लेकर फिल्म बहुत ज्यादा चर्चा में है। खबरें हैं कि इस फिल्म में अक्षय कुमार ने बहुत ही तगड़ा फीस चार्ज किया है। संजय दत्त की फीस से 12 गुना चार्ज किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वीराज के कैरेक्टर्स के बारे में और उनकी फीस के बारे में कि किसने कितना चार्ज किया। तो इस लिस्ट में अक्षय कुमार हैं, जो जाने जाते हैं हर बार अपनी फीस के लिए। अक्षय कुमार फिल्म पृथ्वीराज चौहान का रोल कर रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म पृथ्वीराज में अक्षय कुमार ने 60 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। मानुषी छिल्लर फिल्म में पृथ्वीराज संयोगिता का रोल प्ले करेंगी। ये उनकी डेब्यू फिल्म है और इस फिल्म के लिए उन्होंने चार्ज किया है 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट फिल्म है मानव विज। फिल्म पृथ्वीराज में मोहम्मद गौरी का रोल प्ले करने वाले हैं मानव विज। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में उन्होंने 10 लाख रुपए लिए हैं। सोनू सूद, फिल्म पृथ्वीराज के लिए सोनू सूद ने 3 करोड़ रुपए चार्ज किया है। इस फिल्म में सोनू सूद चंद बरदाई का रोल प्ले करते नजर आएंगे। संजय दत्त इस फिल्म में काना की भूमिका में नजर आएंगे और इस फिल्म के लिए उन्होंने चार्ज किया है 5 करोड़ रुपए। मतलब कि कहां अक्षय कुमार का 60 करोड़ रुपए और कहां संजय दत्त सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए। वेल, देखा जाए दोस्तों तो संजय दत्त अक्षय कुमार से पहले इस इंडस्ट्री में आए और फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में आते ही अक्षय कुमार ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिसके बाद वो फ्लॉप होते होते हुए भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर बने और अपने नाम का परचम लहराया। अब इंतजार है फिल्म का कि फिल्म कितने करोड़ का कलेक्शन करेगी और बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्मेंस रहता है। वेल, आपको कितनी उम्मीदें हैं फिल्म से, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।